शांताराम ने शिवाजी के ऊपर एक फिल्म बनाई उदयकाल। ये फिल्म जो थी, कहने को ये शिवाजी की जीवन की कथा थी, पर जिस तरह से ये कहानी सामने पेश की गई वो साफ बताती थी कि ये कहानी जो है एक कमोफ्लाज है, भारत के जंगे आज़ादी की कहानी है और अंग्रेज़ों ने इसको फिर से पकड़ लिया और ये फिल्म बैन कर दी। हमारे जब देश के अंदर जंगे आज़ादी चल रही थी और नेता जो थे वो सड़कों पे, गांव में, हर जगह घूम रहे थे, अगर सिनेमा कहीं अगर ये जंगे आज़ादी का साथ दे रहा था तो वो जो था वो बंद कर दिया जाता था। बंद करने वाले थे सेंसर्स। सेंसर्स की कहानी जो है हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान में जो संगीत कला है उसके साथ जो इनकी जो जंग रही है, वही एक हमारी एक कड़ी, छोटी सी कड़ी है, एक ब्रांच लाइन है जो कि जंगे आज़ादी के साथ जुड़ी है, और इसका जो है जानकारी ये भी ज़रूरी है। सेंसर्स जो थे वो एक अजीब और गरीब इंसिडेंट से सामने आते हैं हिंदुस्तान में, और ये कहानी जो है 1870 में लखनऊ में एक ड्रामा के होने के समय से शुरू होती है। 1870 में एक ड्रामा कंपनी लखनऊ में एक ड्रामा चला रही थी जिसका नाम था नील दर्पण। ये जो कहानी थी, ये जो नील बनाने के जो पद्धति है, जो कि एक खेतिहारों की कहानी थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार चंपारण के इलाके की थी। जब ये ड्रामा दिखाया जा रहा था जिसमें कि नील बनाने वालों के बारे में ये बताया जा रहा था कि अंग्रेज़ किस बर्बरता से उनसे पेश आ रहे थे, तो हॉल में जो लोग थे उनको बहुत गुस्सा आया और वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नारेबाजी करने शुरू कर दी। उसी हॉल में दिल्ली कंटोनमेंट के कुछ सिपाही भी बैठे हुए थे जो कि अंग्रेज़ थे, और उन्होंने जब ये देखा तो उनको अपना गुस्सा आ गया कि ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है नारेबाजी हो रही है, तो ये उसी थिएटर के अंदर इनकी मारपीट शुरू हो गई। जब ये मारपीट इतनी बढ़ गई कि वो थिएटर तक को जलाने की नौबत आ गई, तब ज़िले के अधिकारियों को लगा कि इस तरह के ड्रामे जो हैं जिनमें कि अंग्रेज़ प्रशासन के ख़िलाफ़ बातें हो सकती हैं उस पर कुछ नाकाबंदी की जाए, और उन्होंने बाद में सरकार में ये पेशकश की कि आइंदा से हिंदुस्तान में जब ड्रामा हुआ करें तो पहले उनकी स्क्रूटनी जो है वो ज़िला के अधिकारी जो हैं वो करें। इसका नतीजा ये हुआ कि 1870 में ही ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट जो है वो शुरू हुआ, और ये जो एक्ट जो था ये पहले ड्रामा की स्क्रिप्ट्स के ऊपर जो था अपना सेंसर की स्याही जो है चलाता था, और ये जब तक कि सिनेमा आया तब तक तो ये बहुत कामयाब रहा कि कोई भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है बात नहीं स्टेज पर लाई जा सकती थी। पर आपने देखा कि सिनेमा में भी ये बातें जो थी बाईपास हो जाती थी और अंग्रेज़ जो थे वो इस पे कोई अंकुश नहीं लगा सके। सेंसरशिप का ये खेल ऐसे ऐसे रूप ले लेता था कि कभी कभी तो हंसी आ जाती थी। मसलन के एक फिल्म के अंदर देखा ये गया कि फिल्म बनाने वाला चाहता था कि वो जंगे आज़ादी के जो हीरो हैं उनको वो सलाम करे, तो उसने अपने जितने सेट्स के कमरे जो थे सेट्स के उसमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो वोटो जो थी सब लगा के उसने अपना कमरे को ड्रेसअप करता उसने किया और उसने अपनी फिल्म की कहानी चलाई। अंग्रेज़ों को लगा कि ये जो है ये, क्योंकि सारे नेता जो थे उस समय जेल के अंदर थे, ये उनके लिए पब्लिसिटी है, और उसने वहाँ सेंसर्स ने ऑर्डर किया कि जहाँ जहाँ गांधी जी की फ़ोटो या जवाहरलाल नेहरू जी की फ़ोटो अगर फ्रेम में आ रही है तो उसमें वो स्याही लगा दे। नतीजा ये हुआ कि सारी फिल्म में जहाँ जहाँ दिख रहा था कि ये स्याही लगी हुई है लोग ताली बजाते थे, और ये जानते थे कि ये स्याही किस लिए लगाई गई है, और जबकि ये बात कहीं नज़र होनी नहीं थी, ये इस फिल्म ने
ये साफ कर दिया कि सेंसर को किस तरह से जो है उल्टा तमाचा मारा जाए। यही नहीं, कमाल की बात ये भी हो गई कि अंग्रेज़ी फिल्म न्यूज़ फिल्म मेकर जो थे जब हिंदुस्तान आते थे और वो अपने जंग आज़ादी के जो प्रोग्राम थे उनको फिल्माते थे और बाद में बाहर ले जाते थे, तो वो न्यूज़रील के तौर पे अमेरिका में और इंग्लैंड में यूरोप में दिखाई जाती थी, पर जब वही न्यूज़रील जब यहाँ आ जाती थी तो सेंसर बोर्ड जो था उसको बैन कर देता था। आज़ादी मिलने के बाद कई सौ फिल्में ऐसी उभरी हैं जो कि बताती हैं कि ये तमाशा किस तरह से सेंसर बोर्ड खेलते रहे हिंदुस्तान में, पर ये जंगे आज़ादी एक तरह से चलती ही रही। ना ही के फिल्मकार जो थे वो अपनी कहानियां बता रहे थे, जो हमारा शायर था वो कहीं किसी से कम नहीं था, और ना ही के हिंदी के फिल्म्स बल्कि तमिल की फिल्म्स, बंगाली फिल्म और जो है मराठी फिल्म के जो में जो गाने लिखे जा रहे थे वो भी कौमी तराने बन गए थे। ख़ास तौर से भारती सुब्रमण्यम के जो गाने थे वो इतने मशहूर हो गए, इनका इतना कहना चाहिए इन्फ्लुएंस हो गया कि अंग्रेज़ जो थे हिल गए, और उन्होंने जितनी भी फिल्म जो थी जिसमें कि भारती सुब्रमण्यम के गाने जो थे वो गाए गए थे उन्होंने बैन कर दी। पर जो जंग आज़ादी के लोग थे या फिल्म से जुड़े हुए ऐसी भावना के लोग थे, उन्होंने ये जो गानों की जो किताबें थीं, गानों के जो रिकॉर्ड थे, उन्होंने हज़ारों की तादाद में जो थे गांव-गांव तक बांट दिए, और ये इसको बैन कोई नहीं कर पाया। पुलिस रेड करती थी और कुछ तोड़ लेती थी रिकॉर्ड, कुछ गाने की किताबों को फाड़ देती थी, पर वो हज़ारों को तो नहीं तोड़ पाए और हज़ारों को नहीं फाड़ पाए, और ये गाने जो थे ये गांव-गांव तक गाते गए। और जंगे आज़ादी में मेरा ये कहना है कि अगर सिनेमा बनाने वाले ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, कम से कम गाने वाले जो थे या गाना गाने लिखने वाले जो थे उन्होंने बहुत कुछ अपना काम जो था वो दिखाया है। ख़ास तौर से प्रदीप बाल भारती सुब्रमण्यम को तो मैंने कह ही दिया है, पर हमारे मशहूर पोएट प्रदीप रहे हैं, साहिर लुधियानवी रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने ये किया। आसाम में ज्योति प्रसाद अग्रवाला जिन्होंने पहली आसामी फिल्म बनाई, उन्होंने 1947 तक में उन्होंने बहुत गाने लिखे आसामी फिल्मों के। वो फिल्में तो आप सब भूल गए हैं, हम भी भूल गए हैं, पर आज तक आसाम में आसामी गानों में राष्ट्रीय गान के तौर पे इनके लिखे हुए गाने जो हैं गाए जाते हैं। और आज भी जब कभी कौमी तराने गाए जाते हैं तो वही ऐसे पुराने हमारे शायर हैं और कवि हैं जो कि जंग आज़ादी में उन्होंने अपना योगदान दिया, आज भी उनका जो है हम याद करते हैं, उनके काम को याद करते हैं, फिल्में भूल गए हैं हम शायद। तो एक ये भी एक पहलू है कि शायर जो है वो जिस तरह से हमको हमारे मन को ले लेता है, पकड़ लेता है, भावनाएं बढ़ा देता है, जंगे आज़ादी में इसका एक बड़ा अहम रोल रहा है। भारत में 16 प्रमुख भाषाएं हैं, तो ये तो मानना ही होगा कि शायद इन 16 भाषाओं में सिनेमा बनता है या बनता रहा है, पर असल में सिनेमा जो है 23 भाषाओं तक बना है। कुछ भाषाओं में तो सिनेमा एक ही बार बनाने का प्रयत्न हुआ कि एक फिल्म बनी और उसके बाद नहीं बनी, पर 16 भाषाओं में तो फिल्म बनती रही। पर कई ऐसी भी भाषाएं थीं जो कि एकदम से सिनेमा में इस्तेमाल नहीं की गई, इसलिए मैंने अभी आपसे कहा था कि आसामी सिनेमा में श्री अग्रवाला ने बहुत सारे गाने लिखे फिल्मों के, पर ज़्यादा फिल्में वहाँ नहीं बनी, और सिर्फ एक ही शायद फिल्म है जो कि हमारे आज के बारे में जो है वो बात करती है। पर जो प्रांतीय भाषाएं हैं जिनमें कि सिनेमा जो है वो बहुत उभरा है और जिसने कि हमारी जंगी आज़ादी में काफ़ी मदद की, वो 3 भाषाएं ख़ास तौर से थीं। पहली तो थी तमिल, दूसरी थी मराठी और तीसरी बंगाली।
बंगाली खुद कहते हैं कि इनकी भाषा में जो सिनेमा बना है वो उसमें जंगे आज़ादी के बारे में कोई ख़ास योगदान नहीं रहा। मेरा ये कथन है कि उनको खुद ही नहीं पता है कि उनकी भाषा में बना सिनेमा जो है वो कितनी तादाद में बना और कौन सा सिनेमा वो था। वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि बोर्ड ऑफ सेंसर बंगाल का जो था वो बहुत ही कट्टर बोर्ड था और उसने गुंजाइश ही नहीं दी कि जंगे आज़ादी से ताल्लुक़ रखने वाली फिल्म जो थी वो उनको सिनेमा घर तक लाने दिया जाए। फिल्म बनी, बोर्ड में आई और गायब हो गई, पर उसका रिकॉर्ड अभी तक है। पर तमिल में जो बनी फिल्में वो कुछ हद तक बाज़ार में आईं और उन्होंने बहुत हंगामे किए। इसी तरह से मराठी फिल्में जो कि 1932 और 1945 के बीच में बनी, उन्होंने भी अपना काफ़ी योगदान दिया है। पर मेरी जो बात है, मैं ख़ास तौर से मैं सलाम देना चाहता हूँ तमिल सिनेमा को, क्योंकि इस सिनेमा में ऐसे ऐसे लोग सामने आ गए जिन्होंने जंगे आज़ादी में भी शिरकत की और साथ साथ सिनेमा के अंदर भी बैठे थे। और इनमें से कई लोग ऐसे थे जो कि एक ही भाषा नहीं बल्कि दो या तीन भाषा में भी सिनेमा बना रहे थे। मैं कुछ समय आपका इसमें लेना चाहता हूँ। मैं इस वक्त आपसे तमिल सिनेमा के बारे में कुछ कह रहा हूँ। तमिल सिनेमा जंगे आज़ादी में यूँ तो लोग हमारे उत्तर भारत में कम ही जानते हैं, पर तमिल सिनेमा ने वक्त वक्त पे नए नए कदम उठाए जो कि क्योंकि भाषा तमिल की थी और वो भाषा एक इलाके में रह गई तो अखबार में उनके बारे में जो थी खबरें उसी इलाके में रह गईं। और आज हमको ये भी नहीं पता कि उनका कितना बड़ा योगदान जंगे आज़ादी के लड़ाई में रहा है। इस कहानी में हमें ख़ास तौर से एक आदमी सिनेमा का और एक आदमी जो कि सिनेमा में रुचि रखता था उनके नाम लेने ज़रूरी हैं। सिनेमा का आदमी था के सुब्रमण्यम और जो सिनेमा में रुचि रखता था उसका नाम है एस सत्यमूर्ति। ये लोग जो हैं 1935 और 1945 के बीच में ख़ास तौर से उनकी अहम भूमिका रही है। के सुब्रमण्यम की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म मानी जा गई है वो है त्यागभूमि। त्यागभूमि जो है सिनेमा के इतिहास में उन चंद फिल्मों में से है जिसका असर एक इलाके में बहुत बड़ा रहा। और त्यागभूमि एक दो बार फिर से बनाई गई है, पर जो पहली बनाई हुई फिल्म है वो आज तक पूरी फिल्म जो है वो हमको प्राप्त है और जब हम देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये फिल्म बनाते समय भी अपना इतिहास बना रही थी। जब ये पहले दिन फिल्म रिलीज़ हुई तो अंग्रेज़ों ने चाहा कि इस फिल्म को जो है बैन किया जाए। ये बिना सेंसर के ही सामने ले आई गई थी और यही उनका एक बहाना बन गया कि ये फिल्म जो है बैन की जाए। हालत ये हुई कि लोगों को पता चला कि ये फिल्म की कहानी क्या है तो सिनेमा घर को घेर लिया और करीबन 4,000 आदमी का जब घेरा वहाँ लगा हुआ था तो सुब्रमण्यम ने आदेश दिया कि ये फिल्म तब तक चलेगी जब तक कि ये 4,500 लोग ना देख लिए हों। और जब पुलिस आई तो वो 4,000 जो फिल्म देख चुके थे उन्होंने पुलिस के साथ मुठभेड़ करनी शुरू की और इससे ये हुआ कि पुलिस ऐसी फंस गई इस लड़ाई के अंदर कि जो उनको फिल्म को कब्ज़े में लेना था वो तो भूल गए और वो मारपीट, लाठी चार्ज, केन चार्ज सब कुछ होता रहा और लोग जो जिनको पिक्चरें देखनी थी उस पिक्चर का देखने का वो मज़ा लेते रहे। बाद में ये फिल्म जो थी कम से कम उस थिएटर के अंदर जहाँ पे इसका प्रीमियर होना था वहाँ तो उसका ये नज़ारा रहा कि वो फिल्म बाद में पुलिस के कब्ज़े में आ गई, पर सुब्रमण्यम ने उसके और प्रिंट्स बनवाए और दूर दूर गाँव में उसने दिखाने शुरू किए जिसके बारे में पुलिस को खबर तक नहीं पहुंच पाई। ये एक मिसाल है कि किस तरह से एक शख्स ने गांठ बांध ली कि मैं जो हूँ मैं अपनी फिल्म जो है जो कि जंगे आज़ादी के जो
वायदे हैं उनको मैं किस तरह से एक अपनी श्रद्धांजलि दूं, और उस किस हद तक वो अपने इस वायदे को ले गया या इरादे को ले गया, ये हमको देखने को बाद में पता चलता है जब हमने तमिल के अखबारों में इस सिनेमा और इस फिल्म के बारे में जो है कुछ जानकारी ली। हमने नाम लिया श्री एस सत्यमूर्ति का। ये असल में ये एक कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से नेता थे, पर इन्होंने ये देखा कि सिनेमा का जो इस्तेमाल है अभी तक जंगी आज़ादी में नहीं लिया गया है, तो इन्होंने ये बात गांठ ली कि मैं जो हूँ भारतीय सिनेमा को जंगी आज़ादी में उसकी मेन स्ट्रीम में ले आऊँगा। और इन्होंने साउथ इंडिया फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है उसकी स्थापना की। ये बाद में इतनी अच्छी संगठित ऑर्गेनाइजेशन बन गई कि इसमें सत्यमूर्ति ने जितने भी अपने मेंबर्स थे उनको समझाना शुरू किया कि उनकी फिल्मों में जंग आज़ादी के बारे में कुछ ना कुछ जो है बात डालनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि तमिल सिनेमा के अंदर ये बात जो है करीबन 5-6 साल तक ये देखने में आती है कि चाहे वो फिल्म रोमांस की हो, मारपीट की हो, कहना चाहिए हर तरह के थीम हो, पर कहीं ना कहीं जो है एक खद्दरधारी जो है वो सामने प्रकट हो जाता है और वो एक लेक्चर दे के चला जाता है। और वो लेक्चर है जंगे आज़ादी के बारे में, आज़ादी के बारे में, अच्छा प्रशासन के बारे में, सुराज के बारे में, क्योंकि अंग्रेज का राज जो था वो इतना अच्छा नहीं था। और एक हमारी एक सपना जो था कि हमारा एक नया भारत होगा, वो सपना जो था वो एक डायलॉग में वो डाल देता था और वो गायब हो जाता था, और अंग्रेज सेंसर जो था उसको जो था वो नहीं समझ पाता था कि क्या हो गया, और उसको वो परमिट कर देता था कि अच्छा भाई चलने दो इसे, ये इसमें कोई कुछ नहीं होगा। पर हल्के 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 वो जो बातें थीं जो जंग आज़ादी के जो नेता जो चाहते थे कहलवाना किसी न किसी तरह से, ये सत्यमूर्ति ने अपनी दोस्ती करके और इस तरह से ये जो चेंबर जो बनाया था इसने फिल्म प्रोड्यूसर्स का, उसमें अपने आप को एक्टिव करके ये बात जो थी उसने आगे चलाई। मैं फिर से आना चाहूँगा श्री सुब्रमण्यम के बारे में कहने के लिए। श्री के सुब्रमण्यम एक तो अच्छे फिल्म बनाने वाले थे, डायरेक्टर थे, लेखक थे। इन्होंने अपने ग्रुप में बहुत सारी ऐसे लोग नए नए चुने जो कि बाद में आने वाले समय में तमिल सिनेमा में बहुत अहम रोल अदा करते रहे, और उन्होंने अपनी भी फिल्में बनाई। छोटी फिल्में थीं पर जो बात उनको कहनी थी वो कह डाली, और काफ़ी अरसे तक श्री सुब्रमण्यम साउथ इंडिया सिनेमा के एक बहुत अहम लीडर माने गए हैं। हमें अफसोस है कि उनकी कोई भी फिल्म इस वक्त उत्तर भारत में नहीं दिखाई गई है। मैं चाहूँगा कि कभी ना कभी आप ज़रूर को देखें। सुब्रमण्यम जी के एक दोस्त थे जो कि चेन्नई में ही इनके साथ काम करते थे, पर उनको शौक़ था तेलुगु फिल्म बनाने का। वो थे श्री बी नागारेड्डी। नागारेड्डी जी के साथ आप ज़रूर उनका नाम जानेंगे, क्योंकि उन्होंने ये तय किया कि जब वो तेलुगु फिल्म बनाएंगे तो वो एक हिंदी फिल्म भी साथ साथ उसके साथ उसी का जो है ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो बी नागारेड्डी जो हैं उनकी फिल्में हमें हिंदी में भी देखने को मिलती हैं, और पर इनका जो है काम जो है वो हम देखते हैं तेलुगु सिनेमा में भी और हिंदी सिनेमा में भी। ये अकेले ही थे जो कि साउथ इंडिया सिनेमा में उनको ये लगा कि अगर हमें अपना तिजारत अच्छी करनी है तो हमारी फिल्में जो हैं वो सारा भारत देखे। तो इसलिए उन्होंने जो फिल्में बनाई जिससे कि हम भी परिचित हैं वो कई हैं, बहुत अच्छी फिल्में भी बनाई हैं। पर जो शुरुआत हुई है बी नागारेड्डी की वो हुई सोशल सिनेमा से हुई है, सो सिनेमा ऑफ सोशल कंटेंट जैसे कि मैं कहूँगा। और इनके साथी जो थे बनाने वाले वो थे जी राम अब्राह्मम। इन्होंने जो फिल्म पहली अच्छी बनाई जो कि धुआंधार फिल्म थी और जंगे आज़ादी के साथ जुड़ी है, उसका नाम है रियाता रायतू बिड्डू, यानी कि जमी का बच्चा या बेटा।
और ये एक एंटी ज़मींदार यानी ज़मींदारी के ख़िलाफ़ जो है ये फिल्म बनाई गई। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो एकदम से सारे ज़मींदार उस इलाके के इस फिल्म के ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने बहुत प्रचार किया अंग्रेज़ सरकार के साथ कि इस फिल्म को बैन किया जाए। फिल्म बैन नहीं हो पाई क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ कही जा रही थी। पर नतीजा ये हुआ कि फिल्म आखिरकार एक दिन पुलिस के हाथ लगनी ही पड़ी क्योंकि ज़मींदारों ने यह तय किया कि इस फिल्म की वजह से जो वातावरण बन रहा था वो उनके ख़िलाफ़ जा रहा था और उन्होंने वहाँ पे एक रायट का जो था वो सिलसिला शुरू करवा दिया। आखिरकार नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म जो थी इतिहास बन गई और जब एक बार फिर रिलीज़ हुई तो इसने श्री जी रामा ब्रह्मम के लिए बहुत अच्छी बिजनेस दिला दी। इसके अलावा तेलुगु सिनेमा में कोई ऐसी फिल्म नहीं बन पाई जो कि इस फिल्म के साथ जोड़ी जा सके। छोटी छोटी फिल्म ज़रूर बनी पर अहम फिल्में नहीं बनी। अहम फिल्में तो सिर्फ तमिलनाडु में ही तमिल भाषा में बनती रहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बंगालियों का ये विचार रहा कि उनके यहाँ फिल्में जो थीं वो नहीं बनी, पर बात तो मैंने फिर भी कही कि हाँ बंगालियों का योगदान हमारे जंग आज़ादी में रहा है। मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा एक शख्स को जो आज नहीं है और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वह है हेमन गुप्ता। हेमन गुप्ता को हम याद रखते हैं आज उसकी फिल्म से, वो उसको नहीं याद करते। वो थी आनंद मठ, जो पुरानी आनंद मठ है। इसने और भी फिल्में बनाई हैं, सन 42 लिखी है, भूली नाई, ये फिल्म ऐसी हैं जो कि आज हम बिल्कुल नहीं जानते। अगर आप देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा कि ये ऐसी अहम फिल्में हमारे हाथ से क्यों निकल गई हैं, आज हमको सामने क्यों नहीं देखते हैं उसे। हेमन गुप्ता को हम नहीं जानते हैं, उसकी कुछ फिल्म हैं जो कि हम याद रखते हैं पर फिल्म बनाने वाले को हम भूल गए। ख़ास तौर से एक फिल्म जो याद ताज़ा करती है वो है फिल्म आनंद मठ। पर मेरे ख़्याल से हेमन गुप्ता असली में एक हिंदुस्तानी सिनेमा का इनकलाबी आदमी था। ये पहले कलकत्ते में जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता थे तो इन्होंने अपना एक अंडरग्राउंड ग्रुप बनाया हुआ था और इन्होंने एक वहाँ के कलकत्ते के पुलिस अफसर के ऊपर गोले फेंके थे जिसमें कि ये पकड़े गए थे और लोग जो इनके साथी थे उनको तो फांसी हो गई, पर इसको क्योंकि ये सिर्फ 16 साल के थे तो ये कह के कि ये नाबालिग हैं, इनको जो है ज़िंदगी तक की जो जेल थी वो उनको अनाउंस कर दी गई थी और ये देवली जेल में ये बंद रहे। देवली जेल में क्योंकि ये राजस्थान में है, वहाँ पे उनकी जेल की लाइब्रेरी अच्छी थी और हेमंत गुप्ता ने उस लाइब्रेरी का पूरा फ़ायदा उठाया। वहाँ किताबें थीं, इतिहास की थीं, लिटरेचर की थीं, पर जो उसको ज़्यादा पसंद आई वो एक आई सोवियत रशिया के कम्युनिस्ट पार्टी की प्रोसीडिंग्स जो थी, उनकी एनुअल प्रोसीडिंग जो हुआ करती थी उसमें उनकी रिपोर्टें जो थी उसको पसंद आई और उसमें ही उसने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कहा है कि हिदायत दी है कि सिनेमा का इस्तेमाल जो है जंगे आज़ादी में या अपने जो पार्टी के जो मैनिफेस्टो हैं उसको समझाने में बहुत ज़रूरत है और इस्तेमाल किया जाए। हेमंत गुप्ता को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने ये तय किया कि अगर कभी उसको जेल से छुट्टी मिली तो वो सिनेमा ही पेशा जो है वो अपने लिए रखेगा। हुआ ये कि कोर्ट में अपील डाली गई और हेमंत गुप्ता को जो है उसको अपील में जो है उसको आज़ादी मिल गई और उस समय कांग्रेस पार्टी में जो ज़्यादा जो बड़े नेता काम कर रहे थे उनमें से सुभाष चंद्र बोस भी थे। हेमंत गुप्ता जो है कलकत्ते जाता है और सुभाष जी के घर जाके कहता है कि मैं जो हूँ मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ क्योंकि इसका इनकलाबी रिकॉर्ड था, इसलिए बोस ने इसको अपने घर में एक क्लर्क के तौर पे नौकरी दे दी।
ये असल में ये इतना मैं ये कहूँगा कि ये इनोसेंट बात नहीं थी। वो यूँ कि हेमंत गुप्ता को ये पता चल गया था कि उसके सुभाष चंद्र बोस के घर पे श्री बीएन सरकार, जो कि एक बहुत बड़े नामी बंगाली प्रोड्यूसर थे, वो आया करते थे, उनके दोस्त थे। तो कुछ दिन तो हेमंत गुप्ता जो था वो वहाँ रहा, उनके क्लर्क के काम करते हुए घर पे। एक दिन उसने सुभाष जी से ये कहा कि सर, आप मुझे बीएन सरकार जी से मिलवा दिए। तो बोस ने एक दिन इनको इंट्रोड्यूस कर दिया। हेमंत गुप्ता जो थे वो वहाँ से बाद में नदारद हो गए और दिखाई दिए बीएन सरकार के स्टूडियो के अंदर, और वहाँ उन्होंने अपने लिए एक नई नौकरी सिनेमा की शूटिंग के लिए एक स्टाफ के तौर पे अपने लिए बना ली, और वहीं पे उन्होंने फिल्म बनाने की जो टेक्निक थी वो सीख ली। उसके बाद फिर हेमंत गुप्ता ने जो है वो अपनी फिल्में बनानी शुरू की, और ये फिल्में जो थीं सभी क्रांतिकारी फिल्में थीं। आखिरी फिल्म जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आनंद मठ है, जो कि वो भी क्रांतिकारियों के ऊपर ही उनकी कथा है। अपनी कहानी ख़त्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ कि जंगे आज़ादी में सिनेमा की क्या देन थी? मेरा कहना है कि सिनेमा की देन कोई बहुत बड़ी देन नहीं थी, पर यह थी, ये भी बात है कि देन थी। सिनेमा कि जो देन रही है वो था कि जंगे आज़ादी का जो पैगाम था उसको गांव-गांव सिनेमा ने भेजा। सिनेमा जब बंद कर दिया गया फिर भी सिनेमा बोलता रहा, क्योंकि सिनेमा की आवाज़ उनके गीत गानों में थी, उन किताबों में थी जो गीत लिखे हुए थे, जो कि हाथ से हाथ जो थे वो बांटे जा सकते थे। सिनेमा ने वैसे भी देश को एक करने में बहुत बड़ा योगदान किया है। भाषाएं जोड़ी हैं, उनके जो लोग काम करने वाले हैं उनको एक साथ लाया है, उसमें जंगे आज़ादी के भी लोग रहे। बहुतों के नाम मैंने नहीं लिए हैं आज, पर मैं फिर भी उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनके बिना जंगे आज़ादी कुछ फीकी सी रह जाती।